इच्छा थी हुई थी ना, मुझे कहती थी ना मैं भी बहुत ही इच्छा से वैसे लड़कियां होती हैं, मुझे माशाल्लाह आप तो कहती लाडो पली थी। अम्मी, मुझे कहती थी अम्मी उससे बर्तन नहीं धुलवाती थी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सफाइयों के लिए अम्मी ने, हालांकि मेरी थी नहीं हिना करेगी सफाई, कहती जाहिर है ताकि इसकी आप बेटी घड़ी होगा का तो मराठ बस अच्छा है। जाए। अच्छा जी, मैं जरा लेजी लेजी, अम्मी कहती थी उठो जल्दी नहीं चल सकती हो, ये लड़कियां ऐसी चलती हैं। माशाल्लाह जी, मक्खन तैयार हो चुका है और मेहमानों का कंफर्म हो गया है जी, कल मंडे को पहुंच रहे हैं जी बिफोर 3 o'clock। तो मिस सुइना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं मेहमानों की। मक्खन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये दादी अम्मा भी हैं, मिस सुइना अम्मा भी हैं, वाइफ भी हैं, हर चीज़ है। क्या ये क्या कर रही हैं? ये जी, मैं सबसे प्यार कर, पहले वो दिखाओ मैरिनेशन दिखाओ, ये जी फिश की मैरिनेशन है, ये वाली, ये वाली फिश की है और ये और ये चिकन चिकन की की। मैरिनेशन है जी, नहीं ठीक है मैंने। ठीक है। ये है जी कल की तैयारी, हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं, और ये है जी कबाबों की तैयारी, ये देखें जी, ये सब बस प्याज इसके अंदर जाएगा, अदरक लहसुन का पेस्ट जा चुका है जी, अब ब्रेक ब्रेक काटेंगे अब मम्मा। देखें जी, बस ये डाल दूँ, बस जी ये पीसी के अंदर ही जाएंगे, जरा नए स्टाइल की कबाब बन रहे हैं हमारे, पहली बार ये वाले। अच्छा चल, ये चख के आपको बताऊंगा मैं। दही भी डाली है मैंने इसके अंदर, और मैंने इसके अंदर क्या डाला है, प्याज मैंने इसके अंदर, सब्ज मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट, क्रीम, नमक, हल्दी, सूखी धनिया, लाल मिर्ची है, कुटी लाल मिर्ची है, इतनी सारी चीज़ें। हाँ सारी चीज़ें कलरफुल से हो गया ना, देखो ये बहुत ही मज़े का लग रहा है। माशाल्लाह जी, मक्खन तैयार हो चुका है और मेहमानों का कंफर्म हो गया है जी, कल मंडे को पहुंच रहे हैं जी बिफोर 3 o'clock। तो मिस सुइना की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं मेहमानों की। मक्खन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, ये दादी अम्मा भी हैं, मिस सुइना अम्मा भी हैं, वाइफ भी हैं, हर चीज़ है। ये कमाल करती हैं मिस सुइना, कमाल जी। हमारा जो प्रोसेस है ना मक्खन बनाने का, मक्खन से घी बनाने का, वो झटपट है जी। सिर्फ ये बता दें कि कितनी देर हुई है मेल्ट होते हुए? ये अभी मेल्ट हुआ बिल्कुल, अभी मेरे ख्याल में 3 से 4 मिनट लगे हैं आपको, ये 5 मिनट होंगे ऑलमोस्ट। 5-6 मिनट के बाद जब मेल्ट हो जाता है तो ये देख रहे हैं जी, सिंपल आटा है ना गंदुम वाला, इसका ये थोड़ा सा स्प्रिंकल करती हैं, ये देख लें 2 चुटकियाँ हैं, चुटकियाँ से मुराद है 3-4 चुटकियाँ, या आप समझ लें भी 2 से 3 टेबल स्पून स्प्रिंकल करती हैं। और अभी आप देखेंगे कि घी ऊपर आ जाएगा जी। तो जी आज इन्होंने देसी घी बना लिया है जो कि बेसिक इंग्रेडिएंट है, और कल से जी तरह तरह के पराठे बनना मेहमानों के लिए शुरू हो जाएंगे। और मेरे ख्याल में देसी जो मुर्गी बना रही है उसमें भी आप थोड़ा सा चटखारा देंगे, थोड़ा सा नहीं, पूरे का पूरा देसी घी, देसी घी है, जरा देख तो ले कम से कम, व्यूअर्स को हेलो हाय कह दें। आज लगता है ठंड बहुत ज़्यादा हो गई जी, टाइम बाकी 10:30 हो गए जी। सुबह गेस्ट आना है तो मिस सुइना कटिंग कर रही हैं और बाकी सारे काम निपटा रही हैं जी, आहिस्ता आहिस्ता ये कर क्या रही हैं। देखें जी, ये थाई पार्ट है, बल्कि तो हम जो चिकन लेके आए थे ये कुछ जिंगर बर्गर के लिए अलहदा कर रही हैं, और कुछ की ये करेंगे जूलियन कटिंग, उससे क्या बनना है, उससे क्रीमी चिकन बनना है जी। तो क्रीमी चिकन की कटिंग कर रही है, तो बहुत सारी डिशेस जैसा ये कहती होती हैं कि आप अगर कटिंग करके रख दें तो काम सारा आसान हो जाता है। जल्दी मैं कटिंग कर लूँगी, अब सुबह उठते ही पहले इसको मैं फाइनल कर लूँगी, फिर बट कढ़ाई। अच्छा जरा डिशेस गिनवा तो दें आज, वैसे कल का मेन्यू मैं बता देती हूँ, इस तरह मुंह करके बता दे, तो एक मिनट दे दे जरा। कल का मेन्यू है बट कढ़ाई, क्रीमी चिकन, ठीक है, तो ये हो गए। ये मैंने कीमा भी निकाल के रखा होगा, शायद मैं कोफ्ते भी बना लूँ, क्रीमी कोफ्ते। क्रीमी कोफ्ते, हाँ जी, ये एक नई डिश को क्रीमी नरगसी नहीं बनाने जी, नरगसी बना चुकी हैं आप पहले, क्रीमी कोफ्ते बनाऊंगी। अब मैं आऊंगी ड्राई आइटम की तरफ। हाँ जी, ये सारा आप अकेला काम करेंगी ना जी, जब मैं कल छुट्टी ले लूं। अच्छा और जी और क्या होगा, फ्राई में है जी फिश, अच्छा, और चिकन, सुइना स्पेशल फ्राइड चिकन भाई, हाँ, फ्राइड चिकन है, और कबाब है, बीफ कबाब,
उसकी भी मैंने निशान दिखाई है इनको, पूरी तो नहीं दिखाई लेकिन थोड़ी सी दिखाई है। ठीक है ठीक है, तीन ये हो गई। अब शाह हसन साहब कह रहे हैं मम्मा लेबनीज कबाब बनाए, अगर टाइम हुआ तो बनाऊंगी। और फिर लबशीरी है जी, ये स्वीट में है, स्वीट में लबशीरी है। और लेकिन लबशीरी चिकन पुलाव ये आप अकेली बनाएंगी ना? वैसे व्यूअर्स देख लें, ये मिस सोहिना माशाल्लाह इतनी मेहमान नवाज हैं और ये खुश होकर बनाती हैं और सारा सारा दिन सारी सारी रात काम करती हैं। आप भी देखते होंगे इनको, तो इनको तो कमेंट करें जी इनकी इनकी एनकरेजमेंट के लिए, बल्कि पूरी फैमिली ही इनको एनकरेज करती है। भले ये चाहें ना चाहें लेकिन ये काम करती हैं और खुश दिली से करती हैं, इसलिए ये हेल्दी भी रहती हैं, मेंटली भी हेल्दी रहती हैं और फिजिकली भी हेल्दी रहती है। ऐसी बात है ना जी। जी मेरी बहन है एक बड़ी और मिस खदीजा, उनकी पूरी फैमिली आएगी। इसी तरह मेरी जो छोटी बहन है वो मिस फातिमा, उनकी पूरी फैमिली आएगी। और ये दोनों इसलिए इनवाइटेड हैं क्योंकि जो मेरे छोटे भाई हैं इनके देवर हैं और देवरानी हैं, वो आ रहे हैं जी 6 से 8 माह बाद, ऐसे 8 माह बाद आ रहे हैं जी। तो ये एक फैमिली गेट टुगेदर होगा। हाँ जी, ईद पर आए थे जी, और ये गेट टुगेदर है, जाहिर है बहन भाई सारे इकट्ठे होते हैं तो इनकी भी फ्रेंडशिप है। तो ये छोटी ईद पर आए थे जी। और मिस सुहिना का बड़ा किरदार है, बहुत बड़ा रोल है जी फैमिली बॉन्डिंग में हमारी, तो अल्लाह इनको जजा दे जी। और ये देख लें जी इतनी देर में ये गप्पे भी लगाती जा रही हैं और कटिंग ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा ये कंप्लीट भी कर चुकी है। हाँ जी बिल्कुल जी, वैसे सबका फेवरेट है अदनान और सबका, और इनका जैनब मोमना हाजरा का तो स्पेशली, और डॉक्टर तारिक साहब का भी बहुत ज्यादा है और इनाम साहब का भी बहुत बहुत फेवरेट है। फातिमा उनकी बेटियों को भी बहुत अच्छा लगता है और खुद फातिमा को बहुत पसंद है। हाँ जी फातिमा को और खास उनके बेटे अली को। अच्छा माशाल्लाह, माँ देख ले व्यूअर्स ये, और इनको हर शख्स की हर बच्चे की पसंद का भी पता है। 2.5 किलो चिकन की जी कटिंग इन्होंने सिर्फ कर लिया जी, 10 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया जी। बिकॉज कमाल शेफ हैं ये, कमाल शेफ हैं, पता नहीं करती क्या है ये, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ये नहीं कि लेजी फिरते रहो, क्या करना है क्या नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, जल्दी काम करना चाहिए। प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, और मिस सुहिना प्रैक्टिस इतनी कर चुकी हैं कि अभी झटपट करती है। जब मेरी शादी हुई थी ना, मुझे कहती ना मैं भी बहुत ही शान से पैसे लड़कियां होती हैं, मुझे माशाल्लाह आप तो लाडो पली थी। अम्मी मुझे कहती थी कि अम्मी मुझसे बर्तन नहीं धुलवाती थी बिल्कुल भी नहीं, लेकिन सफाईयों के लिए अम्मी ने, हालांकि मेड थी नहीं हिना करेगी सफाई, जाहिर है ताकि आप हड्डियों में रच बस जाए। अच्छा जी मैं जरा लेजी लेजी, अम्मी कहती थी उठो जल्दी नहीं चल सकती हो, ये लड़कियां ऐसी चलती है, लड़कियों को जल्दी चलना चाहिए, जल्दी काम करना चाहिए। बस ये वही अब काम आ रही है आपके, अल्हम्दुलिल्लाह।